वाओ, एक पेड़ में कितने सारे खजूर लग रहे हैं, बहुत ज्यादा, वाओ। हाय गाइज, मैं हूँ कमल शर्मा। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे। तब सब परिवार अपने परिवार को साथ में स्वस्थ मस्त होने मिले अपेक्षा करे आशा करे। तो गाइज, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि शर्मा जी, आप खजूर का बगीचा दिखाइए, खजूर का गार्डन दिखाइए, खजूर की खेती कैसी होती है वो दिखाइए। उसी चीज़ को दिखाने के लिए आज मैं खजूर के बगीचे में आया हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे खजूर के पेड़ हैं, खजूर के ट्री हैं। तो गाइज, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो नीचे फॉलो का बटन है, फेसबुक पेज को मेरे फॉलो कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शर्मा मिक्स ब्लॉग आपके भाई का चैनल है, तो आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, प्लीज नीचे सब्सक्राइब का बटन, उस बटन को दबा दीजिएगा। आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे वीडियो में आते हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं और यूं ही चले जाते हैं। गाइस, ऐसा ना करें, आप लोगों के प्यार के और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। नीचे सब्सक्राइब का बटन, उस बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के प्यार की, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा अपेक्षा करता हूं मैं, क्योंकि आप लोगों का प्यार मिलता रहा है और उम्मीद करता हूं मिलता रहेगा। इसी का नतीजा है आज मेरे चैनल पे 19,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आप लोगों का प्यार और ज्यादा चाहिए मुझे, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत जल्द 20,000 हो जाएं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसकी मत करें, पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा। आज आपको मैं दिखाने वाला हूं खजूर की वैरायटी कितनी होती है, खजूर में फल कैसे आते हैं, खजूर के फल इतने बड़े बड़े कैसे होते हैं, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो गाइज, लाइक कर दीजिएगा। देखिए गाइस, कितने शानदार तरीके से इसमें फल लग रहे हैं। देखिए, अभी छोटे छोटे हो रहे हैं, अभी इनको पनपने में, बड़े होने में बहुत टाइम लगेगा। गाइस, देख सकते हैं आप, एक पेड़ में एक कुंटल से भी ज़्यादा फल लगते हैं। आप देखिए, चारों तरफ इसके गुच्छे लगे हुए, आपको मैं थोड़ा दूर से दिखाता हूँ, एक बार देख लीजिए। एक पेड़ में एक कुंटल से भी ज़्यादा फल लगते हैं खजूर के। गाइस, आप लोग इन दो पेड़ों पर नज़र डालिए, देखिए इसमें फल लग रहे हैं। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, इसमें फल है लेकिन इसमें नहीं है। देखिए, इस वाले पेड़ में फल नहीं है। फल क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़ी राज की बात है ये, मैं आपको बताता हूँ। एक पेड़ में फल है और एक पेड़ में नहीं है। गाइस, आज मैं आपको खजूर में एक राज की बात बताता हूँ। देखिए, मेरे जो लेफ्ट साइड वाला पेड़ है उसमें फल नहीं लग रहे, और राइट साइड वाले पेड़ में फल लग रहे हैं। आप देख रहे होंगे क्यों नहीं लग रहा इस पेड़ में फल, तो मैं आपको बताता हूँ। खजूर में एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो मेल खजूर होता है उसमें सिर्फ फूल आते हैं, जो फीमेल होता है उसमें फल आते हैं। जब तक आप मेल का फूल तोड़ के फीमेल में नहीं लगाएंगे, तब तक फीमेल के जो फल होते हैं वो पनपते नहीं हैं, बड़े नहीं होते हैं, उनमें मीठापन नहीं आता है। वो इतने बड़े होते ही ज़मीन में झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब खजूर में इतने छोटे छोटे फल आने लगते हैं, जैसे राजमा के दाने, मटर के दाने, जितने इतने इतने छोटे छोटे फल आने लगते हैं, उनके गुच्छों के बीच में ये जो मेल है इसका फूल तोड़ के गुच्छों के बीच में लगाना पड़ता है, तभी जाके दाने पनपते हैं। यानी मेल और फीमेल, मेल खजूर और फीमेल खजूर दोनों का मिलन कराना होता है, तभी जाकर खजूर के दाने पनपते हैं, तभी जाकर खजूर के दाने में मीठापन आता है। गाइस, ये राज आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ये उसी को पता है जो खजूर की खेती करता है। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत सारी जानकारी एकजुट करके आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर। नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन है, उस बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं दिखाता हूँ और खजूर की वैरायटीज। गाइस, देखिए ये खजूर का बगीचा, सारे खजूर के पेड़ लगे हुए हैं। ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये कोई प्राइवेट नहीं है, ये सरकारी है, ये गवर्नमेंट है। ये ओमान की राजधानी मस्कट का जो म्युनिसिपैलिटी है उनका खजूर है। इसमें इन खजूर को कोई भी तोड़ के खा सकता है, कोई भी तोड़ के खा सकता है, कोई मना ही नहीं है, कोई मना नहीं करेगा। जब भी खजूर पकेंगे कोई भी तोड़ के खा सकता है। देखिए कितना शानदार गार्डन है, नीचे घास है, हरियाली है, और उसी के बीच में खजूर के पेड़ लगाए गए हैं। देखिए, आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, खजूर के फल देखिए कितने शानदार हैं। देखिए, अभी खजूर के दाने अंगूर से भी छोटे हैं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से जूम करके दिखा रहा हूँ। अभी इनको पकने में 3 से 4 महीने लगेंगे, जुलाई अगस्त में जाके ये पकेंगे, जुलाई से पकने शुरू हो जाएंगे, अगस्त सितंबर तक ये पकते रहेंगे खजूर। इन खजूर को कोई भी तोड़ के खा सकता है इस गार्डन में आकर, क्योंकि ये व्यक्तिगत नहीं है, ये प्राइवेट नहीं है, सरकारी है। इनकी देखरेख में सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन पकने के बाद इसको कोई भी खा सकता है, कोई मना ही नहीं है, कोई भी तोड़ के खा सकता है। इस वाले पेड़ में कितने सारे खजूर लग रहे हैं देखना जरा एक बार, ये देखिए आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ। देखिए, वाह, कितने शानदार दाने हैं। देखिए, बहुत बढ़िया खजूर है, ये बहुत बढ़िया वैरायटी का खजूर है ये। देखिए, इस पेड़ में भर भर के फल आया है,
गाय जैसे हमारे यहाँ आम का बगीचा होता है, अमरूद का बगीचा होता है, ठीक उसी प्रकार से ये गल्फ कंट्रीज में जितने भी हैं, सऊदी, दुबई, कतार, बहराइन, ओमान, ईरान, इराक, इस एरिया जो गल्फ कंट्री है क्योंकि गर्म कंट्री है, यहाँ पर खजूर का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा खजूर गल्फ में ही होता है। एक पेड़ में एक कुंटल के आसपास खजूर भी लगते हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे, देखिए चारों तरफ लगने, जब ये दाने बड़े हो जाएंगे, ये सारे दाने अगर तोड़ के तो वेट करेंगे तो लगभग लगभग एक कुंटल वजन होगा। इतने सारे खजूर आते हैं एक पेड़ में। गाइस मैं पिछले 12-13 साल से ओमान देश की राजधानी मस्कट में हूँ। मैं एक जॉब करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ मेरे इस चैनल के माध्यम से जो लोग ओमान में कभी आए नहीं हैं उन लोगों को ओमान के बढ़िया बढ़िया जानकारी देना, बढ़िया बढ़िया जगह घुमाना, मेरी वीडियो के माध्यम से ओमान की बढ़िया बढ़िया जो टूरिस्ट प्लेस हैं उन सबको दिखाना, ये मेरा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ मैंने इस यूट्यूब चैनल को बनाया था। तो गाइस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैं अपेक्षा करूँगा आने वाले समय में भी इस प्रकार का प्यार देंगे आप, इस प्रकार से मुझे सपोर्ट करेंगे। इसी सिलसिले में मेरे सब्सक्राइबर लगभग 19,000 क्रॉस हो चुके हैं गाइस। बहुत जल्द मेरे सब्सक्राइबर 20,000 होने वाले हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों। अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल में आए हो, गाइस शर्मा मिक्स ब्लॉग आपके भाई का चैनल है। आप बड़ा भाई समझिए, छोटा भाई समझिए, आपके भाई का चैनल है। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस बटन को दबा के जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके प्यार और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइस आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। फिर अर्को वीडियो में भेटूंगा। आपनो ख्याल रखनोला, आपनो परिवार को ख्याल रखनोला। टेक केयर, बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।